महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का ऐलान, कौन होगा महायुति का सीएम फेस, देवेंद्र फडणवीस ने कर दिया इशारा। बीते दिन 15 अक्टूबर को चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया, जिसके बाद महाराष्ट्र का सियासी पारा और भी हाई हो गया है और सियासी गठजोड़ चुनावी रणनीति को लेकर मंथन भी शुरू हो गया है। महाराष्ट्र में महायुति बनाम महाविकास अघाड़ी की लड़ाई में कौन जीतेगा या कौन हारेगा, ये तो चुनावी नतीजों के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन उससे भी बड़ी लड़ाई जो है वह यह है कि दोनों गुटों की ओर से आखिर सीएम पद की दावेदारी कौन करेगा। ये बड़ा सवाल है जो कि एक राज भी बना हुआ है। लेकिन इस बीच सूबे के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा संकेत दिया है। दरअसल 16 अक्टूबर को महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने अपना रिपोर्ट कार्ड जारी किया। इस दौरान जब देवेंद्र फडणवीस से पूछा गया कि आगामी चुनाव में महायुति का सीएम फेस कौन होगा, सवाल के जवाब में देवेंद्र फडणवीस ने एक सियासी जवाब देते हुए कहा कि हमारे मुख्यमंत्री तो यहीं बैठे हैं। हालांकि उन्होंने इस दौरान किसी का नाम नहीं लिया। इतना ही नहीं, कार्यक्रम के दौरान सीएम शिंदे ने भी इस मामले पर कोई सीधी बात नहीं की। उन्होंने कहा कि सरकार का 2 साल का काम और प्रदर्शन ही गठबंधन का चेहरा है। इसके साथ ही शिंदे ने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि एमवीओ को विपक्ष के नेता के रूप में अपना चेहरा घोषित करना चाहिए। तो देवेंद्र फडणवीस ने महाविकास अघाड़ी को चुनौती देते हुए कहा कि मैं पवार साहब को चुनौती देता हूं कि वह खुद को सीएम फेस घोषित करें। महाविकास अघाड़ी अपना चेहरा नहीं घोषित कर रही क्योंकि उन्हें नहीं लगता कि चुनाव के बाद उनका मुख्यमंत्री आ पाएगा। सीएम फेस का सियासी दंगल चुनावी दंगल से भी कहीं आगे नजर आ रहा है, क्योंकि पहले राज्य में 4 प्रमुख सियासी दल थे, लेकिन शिवसेना और एनसीपी में 2 फाड़ होने के बाद अब महाराष्ट्र में 6 प्रमुख दल हो चुके हैं। माना जा रहा है कि अजीत पवार भी सीएम का सपना संजोए बैठे हैं, तो शिंदे तो मौजूदा सीएम हैं ही हैं। इससे भीतर दूसरी ओर महाविकास अघाड़ी की बात करें तो यहाँ भी सीएम फेस को लेकर कुछ कम घमासान नहीं है। पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे क्यों नहीं चाहेंगे कि वह फिर सत्ता की कमान संभालें, तो वहीं बीते दिनों कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले को लेकर भी कांग्रेस के स्थानीय नेताओं ने मांग की थी कि पटोले को सीएम फेस घोषित किया जाए। बहरहाल महाराष्ट्र विधानसभा में शिवसेना शिंदे गुट के पास 40 विधायक हैं, बीजेपी के पास 103 और एनसीपी के अजित पवार गुट के पास 40 विधायक हैं। तो दूसरी ओर महाविकास अघाड़ी में एनसीपी के शरद पवार गुट के पास 13, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के साथ 15 विधायक और कांग्रेस के 43 विधायक हैं। राज्य में 288 विधानसभा सीटों पर एक साथ वोटिंग होगी। यहां 20 नवंबर को वोटिंग है और 23 नवंबर को नतीजे सामने आएंगे। बहरहाल देखना होगा चुनावी नतीजों के बाद सीएम की दावेदारी किसको मिलती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खबरों से जुड़े अन्य अपडेट्स के लिए बने रहे वन इंडिया हिंदी के साथ।